नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सब ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई कल नीट यूजी 2024, एंड आई रियली होप ऑल ऑफ यू डिड द बेस्ट पॉसिबल फ्रॉम योर साइड। तो ये एक बहुत छोटा वीडियो है क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि कल से जब से एक खबर उड़ी और खबर बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि NTA की नोटिस बोर्ड में भी आया कि भाई एक सेंटर था सवाई माधोपुर में जहाँ कुछ गड़बड़ कर दी गई थी एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसकी वजह से 120 बच्चों ने वो सफ़र करना पड़ा और वही बच्चे फिर पेपर लेके बाहर भी आ गए, जो कि वैसे अलाउड नहीं होता, और वो पेपर सोशल मीडिया वगैरह में भी आ गया था। तो सबसे पहली कंसर्न जो काफ़ी लोगों को हो रही है कि क्या सर पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्या पेपर दोबारा होगा। जस्ट टू क्लैरिफाई यू पीपल गाइस, ये तो बहुत छोटा इंसिडेंट है। मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा 2021 में या 2022 में ना बाकायदा एक फिजिक्स का क्वेश्चन ही गलत आ गया था, प्रॉपर क्वेश्चन गलत, वो भी एक लैंग्वेज सेट में, शायद हिंदी में था। अब देखिए, जब आप बच्चा भी गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है तो उसके तो बहुत सारे मिनट खर्च हो गए ना, क्योंकि वो अटैम्प्ट किया जा रहा है और सही आंसर निकल ही नहीं रहा है। तो जब ऐसा कार्यक्रम हुआ था या ऐसा कांड हुआ था, उसमें भी जांच इन्होंने ये कर दिया था कि बाद में मान लिया कि क्वेश्चन गलत था और सबको मार्क्स दे दिए। लेकिन कई बच्चे कोर्ट गए कि सर इस क्वेश्चन की वजह से जो हमारे 10 मिनट ख़राब हो गए, क्योंकि हम दो अटैम्प्ट करते रहे, जिस वजह से हमारा पेपर में हम बहुत पीछे छोड़ गए, तो उसकी क्या जिम्मेवारी है। तो देखिए, नीट इंडिया का सबसे लार्ज पेपर है, आई थिंक वो भी ऑफलाइन में कराया जाता है, शायद IAS प्रीलिम में से ज़्यादा बच्चे बैठते होंगे। लेकिन और कल वो खबर आई भी है ना कि 23.5 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया, 23.5 लाख। तो दोबारा से 23.5 लाख बच्चों को इकट्ठा करके ऑफलाइन पेपर कराना तकरीबन बहुत मुश्किल काम है। तो कुछ भी हो जाए, पेपर दोबारा नहीं होगा। वो लोग कह रहे हैं कि वो जो 120 बच्चे सफ़र कर रहे हैं उनका अलग से पेपर ले लेंगे, जे भी हुआ था, मैंने कहा था ना पूरे फेज़ के लिए नहीं। तो लास्ट ईयर अगेन 2021 में 22 में ऐसा हुआ था कि 200-250 बच्चों ने सफ़र किया था, तो उनका एक अलग से पेपर करवा दिया था। या शायद लास्ट ईयर हुआ था कि मणिपुर के बच्चे नहीं आ पाए थे पेपर देने, तो उनके लिए अलग से पेपर हुआ था, वो जो वायलेंस चल रही है मणिपुर में उसकी वजह से। बट इसके अलावा आप सब निश्चिंत रहिए, जो पेपर हो चुका है हो गया है। आप लोगों ने, कई लोगों ने अपने मार्क्स ऑलरेडी लगाने शुरू कर दिए हैं, ऑफिशियल आंसर किया, क्योंकि बच्चों को अक्सर याद रहता है कि उन्होंने क्या आंसर किया था, और फिर LN आकाश के आंसर की से आप लोग मिला के अपने मार्क्स को एक जजमेंट कर ही रहे हैं। उस मार्क्स के बेसिस पे अगर आप इस साल की कट ऑफ की, मैं जजमेंट सच बताऊँ अभी नहीं दे सकता, बहुत हवा में होगी। ये बड़ा आसान है, ठीक है भैया 605-610 के बीच में जनरल कैटेगरी की मिलेगी, ऑब्वियस होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लास्ट 3 साल का क्या ट्रेंड था और उसके हिसाब से इस साल क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने बोला ना कि बच्चे तो बहुत बढ़े हैं इस साल, लेकिन ये मुझे और जजमेंट करनी है, जो मैं रिसर्च करूंगा आज दिन भर में, कि पेपर का लेवल क्या था। तो पेपर आसान होता है तो सबके मार्क्स बढ़ जाते हैं, पेपर मुश्किल होता है हर बच्चे के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो मार्क्स आर नेवर इंपॉर्टेंट, ऑलवेज द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑल इंडिया रैंक एंड कैटेगरी रैंक। तो जो हमारे भी क्लाइंट होते हैं, होने वाले होते हैं, मैं हमेशा जब भी काउंसलिंग देता हूँ 3 सवाल ही पूछता हूँ, कैटेगरी तो ऑल इंडिया रैंक, और आप कैटेगरी रैंक, और आप किस डोमिसाइल में, किस स्टेट का डोमिसाइल आपका लगता है। इन 3 चीज़ों से आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। एनीवे, सो आई थिंक दिस वीडियो शुड क्लैरिफाई यू ऑल, पेपर दोबारा नहीं होने वाला है, मतलब वो रिलैक्स कीजिए अगले 1-2 दिन, बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, और उसके बाद देखते हैं कि ऊँट किस करवत बैठता है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। ऑफिशियल आंसर की भी जनरली लोग जल्दी दे देते हैं, हाँ, बट एक्चुअल रिजल्ट तो जून में ही आएगा। ओके, और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आप जानते ही हैं, 9643362320 इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी। फ़ोन काउंसलिंग के लिए 250 रुपये आपको पे करने होंगे, फेस टू फेस या वीडियो काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपये, और फिर जो हमारे 4 पैकेजेस हैं 30, 50, 75 और 1,500 और 1.5 लाख रुपये के, जिसमें वह फिट होते हैं, वो उस कॉल से पता चल जाता है, और बहुत न्यूट्रल, बहुत ट्रांसपेरेंट कॉल होती है, और फिर उस हिसाब से हमारा, हम आपकी एंड टू एंड हेल्प करते हैं जब तक आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वापस नहीं आ जाते, जो अगले मार्च में आएंगे। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।